तो गाइस अब मैं आपको दिखाता हूँ मिलेनियम पार्क की सबसे स्पेशल चीज। आप मेरे पीछे देखिए, यहाँ पे आपको इतने बड़े बड़े क्रूज शिप भी खड़े हुए देखने को मिल सकते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है वापस से आपका एक और नई वीडियो में। गाइस मैं अभी खड़ा हूँ हावड़ा रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने, और गाइस आज की वीडियो में आपको लेके जाने वाला हूँ मिलेनियम पार्क, जो कि कोलकाता के एक बहुत ही फेमस पार्क जिसे आप बोल सकते हैं, जिसमें आप जाएंगे तो आपको बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं हावड़ा रेलवे स्टेशन से इस हुगली नदी को क्रॉस करके यानी फेरी से जाऊंगा इस मिलेनियम पार्क में। अगर आप कोलकाता की तरफ से आते हैं तो भी आप आ सकते हैं, वहाँ पर शिपिंग कॉरपोरेशन का जो बस स्टॉप है उस तरह आप उतरेंगे, तो वॉकिंग डिस्टेंस में ही है। तो गाइज़ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेके चलता हूँ आपको आगे। बेसिकली यहीं पे एक फेरी घाट है जहाँ से मैं फेरी लूँगा और आपको लेके चलते हैं मिलेनियम पार्क। वीडियो का पूरा जरूर से देखिएगा, पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करिए ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए। तो गाइज मिलेनियम पार्क की फेरी के टिकट मैंने ले ली, आप देखिए 6 रुपीज़ देके आप इस हुगली नदी को क्रॉस करके कोलकाता में जा सकते हैं। बेसिकली अभी मैं खड़ा हूँ हावड़ा में, और इस नदी को जैसे आप क्रॉस करके जाते हैं वहाँ से लग जाता है कोलकाता। तो यहाँ से एंट्री गेट है इस फेरी सर्विस का, अंदर आपको लेकर चलते हैं। तो गाइज मिलेनियम पार्क जस्ट सामने ही है, आप देखिए उस तरफ नदी के उधर आप देखेंगे तो मिलेनियम पार्क वहीं पे है, लेकिन बीच में ये हुगली नदी पड़ती है और साइड में आप देखिए प्यारा सा आपको दिख रहा है हावड़ा ब्रिज, जिसका भी डेडिकेटेड वीडियो आपको हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएगा कुछ ही टाइम में, क्योंकि इसके बाद मैं उस वीडियो को ही शूट करूँगा। तो आप देखिए गाइज ये हमारी फेरी खड़ी है, बोर्ड करते हैं इस पर। तो गाइज हमारी फेरी है वो स्टार्ट हो चुकी है, आप देखिए इतने सारे लोग हैं वो ट्रेवल करते हैं, और हमें बेसिकली जाना है वहाँ पर मिलेनियम पार्क में। तो वहाँ जाने के लिए हमें ये जो फेरी है नहीं यूज़ करना पड़ता, आप देखिए ये तो 3 फ्लोर की फेरी है, और भी देखिए आपको बहुत तरह की यहाँ पे फेरी दिख सकती हैं। और सामने आपको दिख रहा है हावड़ा रेलवे स्टेशन, यहीं पे बेसिकली ये फेरी का एक पॉइंट है जहाँ से आप टिकट परचेस कर सकते हैं और घूमने के लिए जा सकते हैं आप। तो गाइज यही थी हमारी फेरी की एक छोटी सी राइड, ये थी हमारी फेरी जिससे हम उतर चुके हैं, और जैसे ही आप इससे बाहर निकलेंगे आप देखेंगे यहीं पे एक टिकट काउंटर है। सबसे पहले टिकट परचेस करता हूं और आपको दिखाता हूं कितने रुपए की टिकट है और कैसे आप जा सकते हैं, कौन सा एंट्री गेट है, सब कुछ आप देखेंगे इस वीडियो में, वीडियो को पूरा जरूर से देखिएगा। तो गाइज मैं आ चुका हूँ मिलेनियम पार्क के जस्ट सामने, आप देखिए ये है कुछ एंट्री गेट मिलेनियम पार्क का, और फिलहाल यहाँ पर टिकट तो नहीं लग रही है, पहले मैं जब आया था तो टिकट लगती थी, अब टिकट लगना बंद हो गई है। आप गेट सबसे पहले देखिए, ये है इसका एंट्री गेट, और अंदर चलते हैं, अंदर चल के आपको दिखाते हैं। ये बैठे हुए हैं अंकल। दादा अब टिकट नहीं लगता क्या? अब टिकट नहीं लगता, पहले टिकट लगता था इसमें। तो गाइस ये है कुछ इसका मिलेनियम पार्क का एंट्री गेट, और यहाँ से मिलेनियम पार्क है वो स्टार्ट हो जाता है। इसकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे झूले हैं जिनके आप राइड ले सकते हैं। फिलहाल पता नहीं क्यों झूले तो बंद हैं, लेकिन जब चलते होंगे तो कितना मज़ा आता होगा। गाइज मिलेनियम पार्क बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, अभी मैं एक पार्ट में हूँ इस तरफ वाले में, अभी उधर भी लेके आपको चलूँगा। उससे पहले आपको एक चीज़ दिखाते हैं, आप देखिए साइड में जो आपको रेल की पटरी दिख रही है, यहाँ से बेसिकली लोकल ट्रेन है वो भी निकलती है जस्ट किनारे से, और उसके साइड में आप देखिए यहाँ पे हुगली रिवर जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे शिप चलते हैं जिन्हें हम लोग फेरी बोलते हैं। आप देखिए ऐसी एक फेरी से मैं आया हूँ, वो देखिए सामने हो जा रही है। तो गाइज यही सारी चीज़ें हैं, अभी और आगे चलते हैं और आगे दिखाते हैं चल के आपको कि अगर आप मिलेनियम पार्क में विजिट करते हैं तो क्या क्या आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। गाइज आप देखिए एक फेरी घाट यहाँ पे भी है, मैंने अभी आपको पीछे दिखाया था, एक फेरी घाट वहाँ था और यहाँ पे भी, यानी बहुत ही पास पास बहुत सारे फेरी घाट आपको मिल सकते हैं जिनके थ्रू आप ट्रैवल कर सकते हैं कोलकाता और हावड़ा के बीच में। और ये वाला जो बेसिकली पार्क है, मतलब किनारे किनारे बना हुआ है, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लंबाई है इसकी। अभी मैं आपको दूसरे पार्ट में भी लेके चलूँगा, उधर दिखाते हैं चल के उधर क्या क्या है। उससे पहले आप ये फेरी घाट देखिए। गाइज इस मिलेनियम पार्क में पहले टिकट लगता था, और पता नहीं क्यों टिकट अब फ्री हो चुका है, तो आपके लिए तो बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है कि मतलब आपको कोई टिकट का प्राइस नहीं पे करना है। पहले अप्रोक्स 15 रुपीज़ का साइड टिकट था, और अब वो टिकट नहीं लगता है, लेकिन आपको ये जो रेस्टोरेंट टाइप के जो बने हुए हैं छोटे छोटे, ये सभी आपको बंद अभी मिलेंगे, और यहाँ पे जितने भी राइड्स होती हैं, राइड्स के जितने भी झूले लगे हुए हैं वो भी
अभी आपको बंद ही मिल सकते हैं, लेकिन बाकी सब तो खुला है, यानी पार्क में आप आ सकते हैं, बैठ सकते हैं और ये आसपास की चीज़ें आप देख सकते हैं। गाइज इस मिलेनियम पार्क के जैसे ही आप और अंदर आएंगे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक आपको ओपन ऑडिटोरियम टाइप का मिल जाएगा। आप देखिए यहाँ पे बहुत सारी सीढ़ियाँ जैसी बनी हुई हैं, यहाँ पे आप लोग आके अच्छे से बैठ सकते हैं और इस खूबसूरती का मज़ा ले सकते हैं। आप देखिए मतलब जब हुगली रिवर यहाँ से क्रॉस करती है तो कि मतलब कितनी ठंडी ठंडी हवा है वो यहाँ पे आती है। इसके अलावा काफ़ी सारी सीढ़ियाँ हैं, मुझे लगता है यहाँ पे कोई जब एक्ट परफॉर्म करते होंगे लोग तो उसी के लिए यहाँ पे शायद बनाया गया होगा। तो अभी मैं सेकेंड पार्ट में चलता हूँ इस पार्क के और उधर आपको दिखाते हैं चल के, उधर भी बहुत सारी स्पेशल चीज़ें हैं। तो गाइस पीछे आपने देखा ये भी मिलेनियम पार्क था, ये इसका फर्स्ट पार्ट है और सेकेंड पार्ट इधर है और बीच में थोड़ी सी जगह है जहाँ से लोग आते हैं इसके अंदर। अभी उस तरफ आपको लेके चलते हैं, उस वाले पार्क में दिखाते हैं क्या क्या स्पेशल चीज़ें हैं। पहले यही टिकट काउंटर था इस मिलेनियम पार्क का, यहाँ पे टिकट मिलती थी और आप देखिए टिकट का प्राइस अब 20 रुपीज़ था। फिलहाल अभी सब में आपको क्लोज्ड लिखा हुआ दिख सकता है। तो गाइस पहले यही 20 रुपीज़ की टिकट मिलती थी, फिलहाल तो बंद है, आपके लिए फ्री है, आप लोग घूमने आ सकते हैं बिना किसी पैसे को देके। देखिए डॉगी का सही है, छोटे से छेद में से निकल के आ गया है। तो गाइस अब मैं आपको दिखाता हूँ मिलेनियम पार्क की सबसे स्पेशल चीज़। आप मेरे पीछे देखिए यहाँ पे आपको इतने बड़े बड़े क्रूज शिप भी खड़े हुए देखने को मिल सकते हैं। तो बेसिकली ये जो शिप हैं यहाँ से ही रेडी होके जाते हैं, सामने एक टिकट काउंटर भी है इसका, अगर आपको इनमें राइड करनी है तो आप यहीं से टिकट परचेज करने के बाद इन शिप्स में भी राइड कर सकते हैं। अगर आपको दूर से देखना है तो आप मिलेनियम पार्क आ सकते हैं, फ्री में ही आप इन शिप्स को देख पाएंगे। तो यही सारी स्पेशल चीज़ हैं इस मिलेनियम पार्क की। तो गाइस अभी मैं पहुँच चुका हूँ पार्क के दूसरे एंड पर, आप देखिए यहाँ पर इस पार्क का एंड है और आपको साइड में ही देखने को मिल सकता है फ्लोटेल। फ्लोटेल बेसिकली एक होटल है जो कि पानी में तैरता हुआ है। तो गाइज यही कुछ स्पेशल चीज़ें हैं इस मिलेनियम पार्क में। अगर आप कोलकाता घूमने के लिए आते हैं तो आप डेफिनेटली इस पार्क में विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एडवेंचर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं, झूले मिल सकते हैं, राइड्स जिन पे आप कर सकते हैं। फिलहाल अभी तो बंद था, हो सकता है आने वाले टाइम में स्टार्ट हो जाए जब तक ये वीडियो पब्लिश हो। और इसके अलावा इस आप हुगली नदी का प्यारा सा नज़ारा देख सकते हैं जहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे शिप्स चलते हैं और क्रूज़ शिप भी आपने देखा होगा पीछे, वहाँ पर भी खड़े रहते हैं, वहाँ से आप क्रूज़ शिप का नज़ारा ले सकते हैं। यहाँ से लोकल ट्रेन जो जा रही है इसके भी आप मज़े ले सकते। तो गाइज काफ़ी ज़्यादा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स हैं कोलकाता में, जैसे कि आप फेरी से भी जा सकते हैं, लोकल ट्रेन से जा सकते हैं, बाई रोड भी जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि वो लोग भी इस कोलकाता सिटी ऑफ जॉय की खूबसूरती का मज़ा ले पाएँ, देख पाएँ इन सारी चीज़ों को। और गाइज अगर आप पहली बार देख रहे थे इस वीडियो को तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा, जिससे ऐसे ही जो भी अमेजिंग वीडियोस आएंगे उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। मैं मिलता हूँ अब आपसे किसी अगले वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ, तब तक आप खुश रहिए, अपने आसपास के लोगों को खुश रखिए। जय हिंद, जय भारत।